आजकल हर युवा अपना व्यापार करने की सोचता है, छोटी सी दुकान हो या फिर बड़ा शोरूम। व्यापार में तरक्की पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। दुकान में नींबू मिर्ची लटकाने से लेकर लोबान सुलगाने तक सभी तरह के टोटके आजमाते हैं। दरअसल व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के सामने व्यापार नहीं चलने की समस्या आए दिन बनी रहती है। व्यापारियों को केवल एक ही उद्देश्य होता है कि उनका व्यवसाय सफलता के नए आयाम को छुए। आइए ज्योतिष से जुड़े कुछ ऐसे उपाय के बारे में जानते हैं जिनसे आपको व्यवसाय में लाभ मिल सकता है। इन उपायों को करने से होता है व्यापार में लाभ। प्रत्येक मंगलवार को पीपल के 11 पत्ते लें और लाल चंदन से प्रत्येक पत्ते पर राम राम लिखें। इसके बाद इन पत्तों को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय को करने से व्यवसाय में कभी असफल नहीं होंगे। यह उपाय करते समय इसके बारे में किसी को ना बताएं। दूसरा, सोमवार को 11 बेलपत्र लें और उन पर केसर से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को निम्नलिखित मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। इस मंत्र के जाप से सभी व्यावसायिक समस्या दूर हो जाएंगी। यह उपाय जातक को 16 सोमवार तक करना है। तीसरा, व्यवसाय के लिए माल खरीदने जाने से पूर्व 21 रुपए किसी गुप्त स्थान पर रख कर जाए। वापस आने के पश्चात उन रखे हुए 21 रुपए किसी को दान कर दें या उन्हें भोजन कर दें। इस उपाय को करने से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। चौथा उपाय, कपूर और कुमकुम मिलाकर जलाएं और उसकी भस्म को कागज में बांधकर एक पुड़िया बना लें। उस पुड़िया को अपने गले में रखें। मान्यता है कि यदि आपके व्यापार पर से अगर नज़र दोष है तो नष्ट हो जाता है। पांचवा उपाय, यदि आपकी कोई दुकान है तो अपने दुकान में आने वाले ग्राहक को कभी भी खाली हाथ न जाने दें। चाहे उस समय आप सफाई पूजा आदि ही क्यों ना कर रहे हों, भले ही पहला ग्राहक कम लाभ दे लेकिन प्रयास रहे कि उसे खाली हाथ ना जाने दें। छठा उपाय, यदि आपके क्लाइंट्स टूट रहे हैं तो ऐसे में गेंदे के फूल को पीसकर अपने माथे पर उसका टीका लगाएं और उसके बाद उस व्यक्ति से बात करें। यह उपाय करने से आपके क्लाइंट टूटेंगे नहीं। सातवां उपाय, थोड़ा से कच्चे सूत को शुद्ध केसर में रंग लें और उस रंगे हुए कच्चे सूत को अपने दफ्तर या जहां आपका प्रतिष्ठान हो वहां बांध दें। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। आठवां उपाय, गुरुवार के दिन श्यामा तुलसी के चारों ओर उगी खरपतवार को किसी पीले वस्त्र में बांधकर व्यापार स्थल या प्रतिष्ठान पर रख दें। ध्यान रहे कि यह उपाय केवल गुरुवार के दिन ही करनी है। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।